स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ का नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है। कल हमने एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना था उसके लिए एक मेथड किया था, दैट इज पैरालेक्स मेथड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मेथड के बारे में, जिससे भी हम क्या है कि जो शॉर्ट डिस्टेंसेज या मीडियम जो टाइप डिस्टेंसेज होते हैं उनको मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपको दिख रहा है सोनार। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का मतलब क्या हो गया? देखो, नेवी कहाँ पे होती है? नेवी आर्मी कौन सी को बोलते हैं? नेवी वही जो पानी के अंदर होती है, ठीक है, जिसको पानी वाली जिसको बोलते हैं। तो साउंड नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जो साउंड जो है, साउंड किस वेव्स ट्रेवल कर रही है, किसके अंदर? पानी के अंदर। नेवी किससे रिलेटेड होती है? वाटर से। एंड रेंजिंग, और आपको एक रेंज निकाल के दे रही है, किस चीज की? डिस्टेंस की, ठीक है। तो इसी से आपको क्लियर हो गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि साउंड वेव्स। अब कौन सी वेव्स है वो मैं आपको बताऊंगी। वो नेविगेट कर रही हैं, चल रही हैं। नेवी किससे रिलेटेड होती है? पानी से। एंड रेंजिंग, और आपको एक डिस्टेंस की रेंज दे रही है। ओके, सो स्टार्टिंग द टॉपिक, जनरली इंप्लॉयज ये जो मेथड है कहां पे लगता है, इसके अंदर क्या होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो होती है। ओके, ये आपका मेन की कंसेप्ट है, इसको आपने याद रखना है कि जो सोनार मेथड होता है उसके अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो यूज करते हैं। कौन सी वेव्स यूज होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। अब देखिए, ये वेव जो होती हैं आर बीम्ड टू टारगेट इन वाटर विच रिफ्लेक्ट्स देम बैक। ये वेव जो है वो ऐसा कोई हमारा सेंडर होता है, सेंडर यानी कि जो सिग्नल्स को सेंड करता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है, देखो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं काफी तरह की, जो वेव्स हैं अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, आपने नाइन्थ क्लास के अंदर आई थिंक साउंड वाले चैप्टर में किया था कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती है और इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती है, आपको एक पूरी रेंज दी हुई थी उसकी, ठीक है। तो आप कमेंट करके मेरे को बताना जरूर कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की रेंज कितनी होती है और इंफ्रासोनिक की कितनी होती है। ओके, सो वही एक अल्ट्रासोनिक वेव्स है, वो पानी के अंदर छोड़ी जाती है, ऐसा कोई हमारा सेंडर होता है उससे। जैसे ही पानी के अंदर उसको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, ये जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, डार्क लाइंस जो आपको दिख रही हैं, यानी कि हमारी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो इस सेंडर ने छोड़ दी है। ये क्या करेंगी? ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, और ये जो आपको डॉटेड वेव्स दिख रही हैं, डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, इनके थ्रू वापस इसके पास आ जाएगी, यानी कि रिसीवर एंड के पास। कई बार क्या होता है, सेंडर रिसीवर दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, कई बार जो होता है वो अलग अलग भी होते हैं, ठीक है, सेंडर कुछ था रिसीवर कुछ था। ओके, तो ये थी हमारी ट्रांसमिटेड वेव्स। जो डार्क लाइंस आपको दिख रही हैं वो वेव्स आगे प्रोपेगेट कर रही है, सेंडर ने उन वेव्स को छोड़ा है समुंदर के पानी के अंदर, और वो वेव्स प्रोपेगेट करके गई हैं, और उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट से टकराई और टकरा के कहाँ पे आ गई? वापस इसी के पास आ गई। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, अगर आपको ये पता लग जाए, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि समुंदर में वो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, ठीक है। अब आपको ये दिमाग में आ रहा था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, हमने थोड़ा समुंदर में जाना है तो हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं? आपने एक हॉलीवुड मूवी देखी होगी, टाइटैनिक, ठीक है, ये देखी होगी। ओके, टाइटैनिक में क्या हुआ था कि एक जो पानी वाला जहाज था, जो टाइटैनिक ही उसको बोला जाता है, जहाज का नाम ही टाइटैनिक रख दिया गया, तो वो जहाज जब पानी के अंदर चल रहा था तो उसके अंदर काफी सारे लोग थे, हजारों की संख्या में लोग थे, और वो पानी के अंदर चलते चलते, समुंदर में चलते चलते एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग यानी कि जो समुंदर के अंदर बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, छोटी छोटी चट्टाने पाई जाती है उससे, और जैसे वो उससे टकराया था तो वो जो शिप थी वो कहीं से टूट गई थी, यानी कि आप बोलो कि वो थोड़ी इफेक्ट हो गई थी, और पानी जो था वो शिप के अंदर भरना शुरू हो गया था। तो जैसे जैसे वो शिप में पानी भर रहा था तो वहां पे जो जितने भी लोग थे उसमें से मोस्टली जो है वो मर गए थे, ठीक है, यानी कि डूब गए थे। और उसी के बाद में, उसी के ऊपर जो मूवी है वो टाइटैनिक बनी थी। जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो उस इंसिडेंस के बाद में क्या हुआ कि टाइटैनिक के अंदर क्या था कि यहां पे हमारा जहाज था, ये हमारा जहाज था, ओके, ये शिप थी, ये पानी के अंदर चल रही थी, और यहाँ पे क्या आ गया, एक आइस क्यूब आ गया। अब नीचे भी तो होगी ना पानी से कुछ,
अब ये आइस क्यूब आ गया तो ये इससे टकराई, टकराएगी तो इसके अंदर थोड़ी तो हलचल होगी, और वो हलचल इतना बड़ा जहाज है बहुत ज्यादा स्पीड से जाके किसी चीज से टकरा रहा है, जैसे प्लेन क्रैश नहीं होते किसी मतलब चट्टानों के साथ जाके, पहाड़ के साथ जाके, तो वही चीज है, जैसे वो टकराया टकराया तो थोड़ी सी हिलजुल हुई, इफेक्टेड हुआ, और पानी जो है वो समुद्र का पानी इसके अंदर जाना शुरू हो गया और जहाज जो है वो भरना शुरू हो गया और जिसके कारण वो डूब गया। ओके, तो ये बात थी टाइटैनिक की। अब टाइटैनिक से बचने के लिए, यानी कि वैसे जहाज को इफेक्टेड होने से बचाने के लिए, यानी कि वो जहाज जो है वो ना डूबे और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि उसके रास्ते में अगर कोई चीज आने वाली है तो वो आपको बता दे कि हाँ भाई आगे ये चीज है, तो उसको बोला, उस मेथड को जिसको हम यूज करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, उसको बोला जाता है सोनार। ओके, तो क्या किया जाता है, ये जैसे आपकी शिप है तो शिप के ऊपर एक ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर यानी कि जो प्रोड्यूस करता है, ट्रांसड्यूस करता है यानी कि एक तो सिग्नल को प्रोड्यूस करता है प्लस उसे ट्रांसफर करता है, यानी कि हमारी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो यहां से निकलेंगी, यहां से निकलेंगी और सीक के बॉटम तक जाएंगी। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये क्या करेंगी, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के, मान लो यहीं पे एक ऑब्जेक्ट था तो ये क्या करेगी, उससे टकरा के यहीं से वापस मूव करना शुरू कर देगी और यहां पे रिसीवर के पास या डिटेक्टर के पास पहुंच जाती है। अगर नहीं होता है तो ये वेव क्या करेंगे, सी के बॉटम तक जाएगी, उसके बाद में वापस आएगी। तो बेसिकली किया क्या जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है ना उनकी वेलोसिटी जो होती है एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर वो कांस्टेंट होती है। ओके, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट हम वैक्यूम में लेते हैं, दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तो वैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, मान लो वो वी है, ठीक है, वो वेलोसिटी क्या है, वी है। ओके, और ये क्या कर रही है, यहां से वापस इसके तक पहुंची है, तब तक इसको टाइम कितना लग गया, टी टाइम लग गया। कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो अब हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहां से हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। एक बार नीचे गई है, एक बार ऊपर आई है, देन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। यहां से इतना पाथ ये ट्रेवल करके गई थी और यहां से इतना पाथ ये ट्रेवल करके वापस आई है। अगर यहां पे देखें तो ये पहले इस ऑब्जेक्ट तक गई थी डी, और यहां से वापस आई है तो क्या हो गया, टू डी। तो डी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। और डिस्टेंस किसके इक्वल है, टू डी के इक्वल, एक बार गई है एक बार वापस आई है, तो दैट डी बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय टू। ओके, तो ये था हमारा सोनार मेथड। सोनार बेसिकली कहां पे यूज किया जाता है, शिप्स के अंदर, दोनों एसएस, ठीक है, समुद्री जो जहाज होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, ताकि उनको क्या करे, कोई भी अगर चट्टान या कोई भी चीज नीचे आ रही है तो उसको क्या करे, बचाया जा सके। अब मान लो ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के अगर वापस आ जाती है तो जहाज में जो उसके कंट्रोलर्स बैठे होते हैं उनको पता लग जाता है कि ऐसी कोई चीज है, तो वो क्या करते हैं, उसको शिप अगर ऐसे जा रही होती है तो उसको थोड़ा सा टर्न करके निकाल लेते हैं, उनको पता लग जाता है कि इस डिस्टेंस के ऊपर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करते हैं, उसको टर्न करके कहीं और से निकाल देते हैं, अदरवाइज उस चट्टान से टकराएगी तो शिप जो है वो हार्म हो जाती है। तो सोनार इज ए मेथड दैट इज यूज इन शिप्स के अंदर यूज किया जाता है, समुद्री जहाज के अंदर यूज किया जाता है, ताकि उनको समुद्र के अंदर आने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो चट्टाने हैं, बर्फ की चट्टाने हैं, चाहे कोई तरह की चट्टाने हैं, या जैसे ब्लू वेल वगैरह बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनसे बचाया जा सके, उसके लिए यूज की जाती है। ओके, बेसिकली इसके अंदर हम यूज क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट प्रिंसिपल इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ओके, दैट प्रिंसिपल इज नोन एज रिफ्लेक्शन, कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारी गई थी वो किसी ना किसी मीडिया से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता था, अगर ये हमारा इंटरफेस है, यहां से आप लाइट को स्ट्राइक कराते थे तो ये वहां से वापस मुड़ जाती थी, यानी कि जैसे ही मीडियम चेंज होता था लाइट उस मीडियम में से पास नहीं करती थी बल्कि वापस मुड़ जाती थी। तो अब ये जो वेव्स है हमारी पानी के अंदर चलती हुई आ रही है, और जैसे जैसे ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, वहां से वापस मुड़ जाएंगी। ये हमारी वेव चलती हुई आ रही थी, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो ये क्या करेंगी, यहां से वापस मुड़ जाएंगी, और वापस मुड़ के उसी जो रिसीवर है उसके पास पहुंच जाएगी, तो वहां से पता लग जाता है कि आगे कोई चीज आने वाली है, तो उस शिप की जो डायरेक्शन है उसको रोटेट कर दिया जाता है। ओके, सो मूविंग, आगे मूव करने से पहले एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में करेंगे रडार मेथड की तरफ।
दिस इज नॉट विजिबल इन द वीडियो, सो राइट इट जस्ट अबव, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर लिखने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड आफ्टर दैट डिस्टेंस क्या हो गया, दो बार हो गया ना, एक बार वेव्स गई हैं, एक बार वापस आई हैं, तो d इज इक्वल टू 2d हो गया, तो 2d इंटू v इंटू t हो गया, एंड दैट d इज इक्वल टू डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से क्या होगा, इस पत्थर का, इस ऑब्जेक्ट का या इस चट्टान का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितने डिस्टेंस के ऊपर ये पड़ी और कब हमने शिप को जो है वो मोड़ना है। पीछे जो मैंने करवाया था वो विजिबल नहीं हो रहा था कैमरा के अंदर, सो इसीलिए मैंने आपको ऊपर करा दिया, इसको पोज करके अब नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ टूडेज लेक्चर। आज हम दो ही मेथड्स करेंगे, रोडार, जो रडार है, और सोनार है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे ट्रेंगुलर मेथड और इको मेथड, ओके? सो मूविंग ऑन टू रडार, रडार क्या होता है, पहली बात तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है आर से रेडियो, आर ए से रेडियो, डी से डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है? आप इसको बड़ा भी लिख सकते हो क्योंकि ए से है एंड, और दैट इज डी एंड डी फॉर डिटेक्शन। रेडियो, आर ए से रेडियो, डी से डिटेक्शन, ए से एंड, एंड आर से रेंजिंग। अब देखो यहां से भी आपको पता लग रहा है, वहां पे था साउंड नेविगेशन, तो साउंड और सोनिक, सोनिक वर्ड कहां पे यूज करते हैं, जहां पे साउंड आता है, ठीक है? तो साउंड यानी कि सोनिक वेव्स, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं किसमें, सोनार में, ओके। यहां पे रेडियो, रेडियो इज एन अनदर टाइप ऑफ वेव, काफी तरह की वेव्स हम पढ़ते हैं, दैट इज अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ये वेव्स आते हैं। इसके अलावा आपने छोटी क्लासेस में यूवी रेज पढ़ा होगा, जो ओजोन लेयर वाला केस है, इंफ्रारेड रेज पढ़ा होगा, माइक्रोवेव रेडिएशन वेव्स आती हैं, वो भी आती हैं, इसके साथ साथ रेडियो वेव्स भी होती हैं, ठीक है? जो रेडियो वेव्स आपने देखा होगा, रेडियो नहीं चलता होता, AM/FM जो आपके चलते हैं, ओके? तो रेडियो के ऊपर वहां पे जो यूज की जाती है, सो रेडियो वेव्स जो है वो इस केस के अंदर यूज करते हैं हम। अब रेडियो वेव्स का क्या होता है, देखो रेडियो वेव्स को सेंड किया जाता है स्पेस के अंदर एक ट्रांसमीटर के थ्रू, एक ट्रांसमीटर यानी कि ऐसे एक टावर लगा होता है, ठीक है? ऐसे एक टावर लगा होता है, ये हमारा कोई टावर है, इसके थ्रू स्पेस के अंदर यानी कि आकाश के अंदर रेडियो वेव्स को भेजा जाता है, ओके? द रेडियो वेव्स आर सेंट इनटू द स्पेस थ्रू ए ट्रांसमीटर, ओके? इन केस एन एरोप्लेन, मान लो यहां पर एक एरोप्लेन आ रहा है, ओके, यहां पे एक एरोप्लेन आ रहा है, ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है, ठीक है? यहां पे एक एरोप्लेन आ रहा है, ओके, ये वेव्स ऐसे निकल के जा रही है। अब क्या करेंगे, यहां पे पहुंची तो ये वेव इससे टकराई ना, और जैसे ही टकराएंगी ना तो यहां पे एक टावर और होगा, दैट इज नोन एज रिसीवर टावर। दो टावर होंगे हमारे पास, तो ये क्या करेगी, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होके कहां पे आ जाती है, इस टावर पे वापस आ जाती है, दैट इज ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर था, ओके, इकट्ठा ही है ना, ट्रांसमीटर एंड दिस इज रिसीवर, ओके? सो जैसे ये एरोप्लेन आया यहां पे, एरोप्लेन या कोई भी फाइटर प्लेन कुछ भी है, तो जैसे यहां से ये रेडियो वेव्स गई, दीज आर रेडियो वेव्स, यू कैन राइट, लेबल कर लें आप, दीज आर रेडियो वेव्स, ये और ये दोनों, ओके? तो इस ट्रांसमीटर से रेडियो वेव्स निकली, कहां गई, स्पेस के अंदर गई, और स्पेस में आकाश में उड़ता हुआ एक हमारा एरोप्लेन आ रहा है, ये रेडियो वेव्स क्या करेंगी, उस एरोप्लेन से टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होके कहां पे चली जाएंगी, रिसीवर के ऊपर। ऐसे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं कि ये जो एरोप्लेन है ये कितनी जो हाइट है उसके ऊपर उड़ रहा है। अगेन गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए मूवी, आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, जिस टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, उस टाइम की बात है, एक मूवी आई थी URI, उरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उरी, वो मूवी आई थी जब कुछ जो हमारे CRPF के जवान थे उनके ऊपर हमला किया गया था, तो उसके बाद में अगेंस्ट जो हमारी कार्रवाई थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस टाइम पे मूवी आई थी। तो उस टाइम क्या करते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हैं ना बाय एयर, उस मूवी के अंदर दिखाया है, तो वहां पे जो हमारे प्लेन होते हैं ना, फाइटर प्लेन, वो रिकॉर्डेड हो जाते हैं, वो उनको पता लग जाता है कि ऊपर कोई प्लेन जा रहा है, ओके? वो प्लेन कैसे पता लगता था, थ्रू रडार पता लगता है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपना रास्ता चेंज किया और बाय ग्राउंड वो गए, यानी कि किसी सुरंग की सहायता से वो गए, क्योंकि एरोप्लेन तो डिटेक्ट हो चुका था, उनको पता लग जाता कि हाँ कोई आ रहा है, ओके? तो ये
बेसिकली जो है रडार मेथड ये यूज किया जाता है जहां पे मिलिट्री पर्पस के लिए, यानी कि जो हमारे डिफेंस का जो काम होता है उसमें यूज किया जाता है कि हमारी बॉर्डर को क्रॉस करके कोई एरोप्लेन आ रहा है, कैसा वो एरोप्लेन आ रहा है, कौन से वो मकसद का है, किस हाइट के ऊपर है, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, कितनी स्पीड है, या ऐसी सारी जानकारी जो होती है वो यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो बॉर्डर एरियाज होते हैं जहां से क्रॉसिंग वगैरह होती है, मतलब जो डिफेंस के लिए जो आर्मीज वगैरह होती हैं वो इन चीज़ का बेसिकली यूज़ करती हैं। ओके, बाकी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं या जो कोई भी फ्लाइट्स होते हैं उनका तो कोई लेना देना नहीं है, बाकी बेसिकली ये जो है ये डिफेंस के पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो होता क्या, इन केस ऑफ एरोप्लेन्स कम इन टू देयर पाथ, ये अब क्या है, वेव्स ऊपर जा रही थी और एक जहाज आया जो इनके रस्ते में आ गया। अब क्या हुआ, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, वो वापस मुड़ गई, एंड आर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर, वापस मुड़ी और रिसीवर के ऊपर रिसीव होगी, या यू कैन से इट डिटेक्टर, आप इसको डिटेक्टर भी बोल सकते हो, डिटेक्टर के ऊपर रिकॉर्ड होगी द वेलोसिटी ऑफ द रेडियो वेव्स। अब हमें वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स इज वी विच इज इक्वल टू 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, अब क्या हुआ, ये वेव यहाँ पे गई, आपने यहाँ से ट्रांसमीटर से जब ये वेव निकली और इस रिसीवर पे आके जब ये वेव है रिसीव हुई, तो इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो इस पे से 10 बजे जो है वो रिसीवर से हमारी ट्रांसमीटर से निकली, 10 बजे ट्रांसमीटर से निकली और 10:10 के ऊपर वो रिसीवर पे, या 10:15 के ऊपर वो रिसीवर के ऊपर वापस आ गई, रिसीवर पे आ गई, तो इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, दैट इज 15 मिनट्स, 15 मिनट का टाइम है। तो टाइम हमें पता लग गया, यानी कि यहां से वेव जब गई हैं और वापस कब आई हैं, तो उनका अगर हम निकाल लेंगे, उनके बीच का टाइम इंटरवल अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो दैट टाइम इज टी। तो पीछे वाला मेथड ही अगर हम यूज करें तो दैट एस इज इक्वल्स टू वी, यानी कि एस इज ए डिस्टेंस एंड वी इंटू टी डिवाइडेड बाई टू, एस इज अ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, यहां से इस प्लेन का कितना डिस्टेंस है हमारे से, यानी कि अर्थ से लेके ये जो पूरा डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज एस। ओके, जैसे हमने पिछले में जो डी लिया था, डिस्प्लेसमेंट लिया था, वही सेम चीज है यहाँ पे, बस थोड़ा सा रडार और सोनार को अलग करने के लिए ये जो है वो लिखा है। ओके, क्लियर हो गया, वेलोसिटी हमें पता है, टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे कि यहाँ से कितने टाइम पे ये वेव्स हमने रिलीज की थी और वापस कितने टाइम पे मिली है, तो टाइम आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टू करोगे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा कि ये एरोप्लेन कितनी वेलोसिटी से या कितने डिस्टेंस के ऊपर मूव करके जा रहा है। ओके, क्लियर इट। अब देखो ये दो मेथड थे जो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ शिप्स के अंदर और एरोप्लेन्स के अंदर। शिप्स के अंदर सोनार यूज होता है, दोनों एसएस से होते हैं, शिप्स और सोनार। बच गया रडार, दैट इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स, फाइटर प्लेन्स या जो भी प्लेन्स होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, इन डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है और कई और जगह पे भी इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, अगेन इट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। ये भी किस पे बेस होता है, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस होता है। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दो नए मेथड्स के साथ, दैट इज इको मेथड एंड ट्रायंगुलर मेथड। उससे निकाल लेंगे हम अपना डिस्टेंस जो बॉडीज हैं, उसके अलावा एक और साइज भी हम डिटरमाइन करते हैं, दैट इज ऑयलिक एसिड, वो भी हम आगे ही डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दो मेथड्स हमारे कवर हो चुके हैं, दैट इज सोनार एंड रडार। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।